वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉप एंड ज्ञानी। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशन होने वाला, क्योंकि पिछले दो वीडियो में हमें पार्ट वन पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था कि गुजरात बीओई 2019 का जो पेपर वन था उसमें जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आंसर थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो दैट आज ही उसी पार्ट जो थर्ड है उसी थर्ड पार्ट में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर है जो पेपर वन के वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम यदि आप लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा इस वीडियो का तो दोस्तों आप मैं इसके लास्ट में जो वीडियोस है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हो और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। सो दैट दोस्तों जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 21। हम 21 क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज जीरो एट स्टीम प्रेशर, कि भाई जो लेटेंट हीट होती है वो द लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन किस स्टीम प्रेशर पे जीरो होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ए है 225.65 केजी पर सेंटीमीटर, बी है 265.28 केजी पर सेंटीमीटर और सी है 302 केजी पर सेंटीमीटर और डी है ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर दैट ही आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आप कहाँ से लिया गया है, ये है जो अपना स्टीम फॉर्मेशन जो कर्व होता है ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ये यदि आप लोगों को अधिक जानना है तो आप जो पावर प्लांट की जो बुक्स है जो स्टीम फॉर्मेशन की स्टीम प्रॉपर्टीज़ की जो चैप्टर है आप उसको रीड आउट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 225.65 केजी पर सेंटीमीटर स्केस, मीन्स दैट की ए जो इसका ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। इन द स्टीम फॉर्मेशन डायग्राम एट पॉइंट वेयर लेटेंट हीट बिकम्स जीरो हेयर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम डायरेक्टली, कि भाई इस पॉइंट पे क्या है इस प्रेशर पे आके जो हमारा जो वाटर हो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, जो 225.65 है केजी है इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो द प्रेशर एच द प्रेशर इज 225 पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर और 221.2 बार एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज 347 डिग्री सेल्सियस, कि आपको यदि पूछा जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछ सकते हैं कि भाई द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज जीरो एट विच टेम्परेचर, कि भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे देंगे जैसे कि 310, 370, 375, 361, 374 इस तरीके से। जो इसका राइट आंसर होगा 374 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 374 डिग्री सेल्सियस के उसके अप्रोक्सीमेट में जो क्रिटिकल प्रेशर होता है उसके अप्रोक्सीमेट में टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो दैट और ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको कि भाई जैसे कि हम केजी में दे दिया तो बार में दे देंगे, कि 225 केजी को बार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 221.2 बार आएगा। तो सो दैट इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव आउट करेंगे। 22 क्वेश्चंस है कि भाई 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू, कि भाई जो 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है। इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 1 एटमॉस्फेयर, बी है 1 मीटर बार और सी है 1 बार और एक डी है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो देखा जाए तो यदि इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए 1 एटमॉस्फेयर पे, जो 1 एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि भाई एक वन बार किसके इक्वल होता है, तो वन बार इक्वल टू होता है 1 लाख पास्कल के, और 1 लाख पास्कल इक्वल होता है 1 लाख न्यूटन मीटर स्क्वेयर के, और ये 1 लाख न्यूटन मीटर स्क्वेयर इक्वल टू होता है 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वेयर के, सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 1 बार, सॉरी मैं आप इसका आंसर मैंने 1 A बताया था, तो इसका वो रहेगा आंसर सी 1 बार, कि 1 बार 100 किलो न्यूटन मीटर प्रेशर के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं, जो 23rd है, प्राइमिंग इन बॉयलर ड्रम इज ड्यू टू, कि जो भी प्राइमिंग है वो किस कारण से होती है बॉयलर ड्रम में। तो इसके जो आंसर्स है वो है ऑप्शंस है सॉरी, जो ऑप्शन ए है वो है हाई ड्रम लेवल, बी है इम्प्रॉपर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर, सी है सडन फ्लक्चुएशंस इन स्टीम, और डी है ऑल ऑफ अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमिंग होती की है क्या है एक्चुअल में। तो डियर प्राइमिंग होता क्या है, प्राइमिंग मीन्स कैरी ओवर ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन स्टीम, कि जो स्टीम के साथ जो वाटर पार्टिकल है उनका कैरी ओवर हो जाना, दैट कॉल इज द प्राइमिंग। विच लोअर द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम एंड लीड्स टू स्केल फॉर्मेशन एट सुपर हीटर एंड इन द टर्बाइन ब्लेड्स, कि भाई जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कि स्टीम के साथ कैरी ओवर हो जाती है वो क्या करता है, वो जो स्टीम की एनर्जी है उसको लोअर डाउन कर देती है, और जो सुपर हीटर में स्केलिंग का कारण बनती है और आगे फर्दर जाके स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स पे भी स्केलिंग का कारण बनती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राइमिंग इन द बॉयलर ड्रम इज ड्यू टू, कि प्राइमिंग किन कारणों से बॉयलर ड्रम में होता है। तो इनके जो ऑप्शन थे वो हाई ड्रम लेवल, इम्प्रॉपर डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर्स, डन फ्लक्चुएशन इन स्टीम, ऑल ऑफ अबो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ अबो, क्योंकि ये जो तीनों फैक्टर हैं ये डिपेंड ये कारण बनते हैं प्राइमिंग का बॉयलर के अंदर, तो इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग द बॉयलर ऑपरेशंस। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 24, तो 24 क्वेश्चन में क्या डिस्कस हुआ है, इन रीजेनरेटिव फीड हीट साइकिल द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इज अफेक्टेड, कि भाई जो अपनी रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किस में अफेक्ट करती है। तो दोस्तों ऑप्शन ये है, वैन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली वन स्टेबल पॉइंट ऑफ स्टीम, और जो सेकंड है बी है विच, जो सेकंड ऑप्शन है वैन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवरल प्लेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाइन, और जो सी है वैन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाइन, वैन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्टीम टर्बाइन। भाई इकोनॉमिकली की कैसे इफेक्ट करेंगे, इकोनॉमिकली वैसे में आप देखा जाए कि भाई हमने टर्बाइन लगाया है, और लेकिन टर्बाइन हमें इलेक्ट्रिक देखो क्या करता है कि जो हमारी एक्सरी होती है उसको जो टर्बाइन, वैसे तो स्टार्टिंग में हमारी जो ग्रिड पे पावर की जो ग्रिड सप्लाई होती है, आफ्टर दैट जब हमारी जो टर्बाइन सिंक हो जाती है आफ्टर दैट जो सारी एक्सरी ऑपरेटेड हो जाती है ऑन अपने टर्बाइन, जो होम लोड होता है वो टरबाइन से ही चलता है। तो क्या है कि भाई सपोज दैट कि हमने टरबाइन लगाया है उसमें हमारा एक्चुअली होम लोड है और वो हम ग्रिड को भी सप्लाई करते हैं, और लेकिन जो इंक्लूडिंग जो सारा कॉस्ट है फॉर दिस ऑपरेशन इंक्लूडिंग बॉयलर प्लस टरबाइन ऑपरेशन, वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट एडअप करके जो हमारा बाद में जो प्रॉफिट होता है क्या उसके हिसाब से जो हमने प्रोसेस के लिए हीट निकाला है उस प्रोसेस का जो प्रोडक्शन हुआ है वो सारी चीज़ फैक्टर क्या है ये इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं देखा जाए। तो यदि हमने प्रॉपर वे से डिज़ाइन की होगी टर्बाइन, प्रॉपर वे से हमने टर्बाइन से एक्सट्रैक्शन निकाला होगा, तो क्या है सपोज दैट कि यदि हमने एक सपोज दैट हमने 10 मेगावाट का टर्बाइन है उसे हमने एक्सटेंशन निकाल रखा है 10 kg का फॉर द प्रोसेस, तो क्या है यदि हमने एक ही टर्बाइन एक्सटेंशन निकाला है और वो अकॉर्डिंग टू द डिम रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है, तो क्या है यदि इसमें देखा जाए
तो हम नंबर ऑफ एक्सटेंशन निकाल लेते हैं टर्बाइन में, तो क्या है उसकी इलेक्ट्रिक जो पावर जनरेशन है उसका इफेक्ट होगा। तो पावर जनरेशन जो इफेक्ट होगा तो क्या रहेगा कि जो वो इकोनॉमिकल वे से देखा जाए तो कई बार क्या है मल्टीपल एक्सटेंशन निकाल लेते हैं प्रोसेस के लिए, कई बार प्रोसेस चल नहीं पाते, तो उसको क्या है वो उसकी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर क्या रहेगा, वेन स्टीम इज एक्सट्रैक्टिव फ्रॉम सेवरल प्लेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ स्टीम टर्बाइन, कि भाई जब स्टीम टर्बाइन के अंदर से डिफरेंट स्टेजेस के अंदर से हम एक्सट्रैक्शन निकाल लें तो क्या है ये इन रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल में ये इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा वो इसका रहेगा बी। विद 25 क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन प्रेशर फॉर वाटर, यदि हम प्रेशर को हम इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा एंथैल्पी पे, इसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो इन एंथैल्पी के लिए इसका क्या है जो ऑप्शंस दे रखे वो है ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इंक्रीज, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम डिक्रीज, एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम रिमेंस सेम, डी है एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो देखा जाए कि जो हमारी एंथैल्पी है वो क्या है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की जो क्या रहेगी वो डिक्रीज रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी रहेगा इसका आंसर, क्योंकि जो जो इंक्रीज इन जो इसके एंथैल्पी किस तरीके से इफेक्ट करती है मैं आपके साथ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि जो हमारी एंथैल्पी है यदि आप लोगों ने वो अपने आप लोगों ने रीड आउट किया होगा कि जो वाटर के लिए जो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम होता है उसमें क्या होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होती है, आप कभी ने उसमें देखा होगा कि दैट प्रेशर इंक्रीज इन द एंथैल्पी स्लाइटली डिक्रीज, दिस डिक्रीज इन मोर नोटिस एट द हायर टेम्परेचर, कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता जाता है तो क्या है हमारा जो एंथैल्पी सैचुरेशन स्टीम धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। आपको जो ये पॉइंट क्या है जो मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर हायर हो जाता है कि एंथैल्पी ड्रॉप वहाँ पे काफ़ी देखा जाता है, तो सो दैट इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी कि भाई एंथैल्पी ड्राई सैचुरेशन स्टीम डिक्रीजेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द 26 क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना लिया जाता है। तो दोस्तों इसके में ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए -273, बी है 2273 डिग्री सेल्सियस, सी है -237 डिग्री सेल्सियस और डी है 237 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा -273 डिग्री सेल्सियस, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट विच ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम हैज द लोवेस्ट एनर्जी, कि भाई इस टेम्परेचर पे जो थर्मोडाइनमिक सिस्टम है इसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो इट कॉरस्पॉन्डेंस टू -273.15 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस सेल्सियस टेम्परेचर स्केल एंड -459.67 फारेनहाइट। यदि फारेनहाइट में ऑप्शन दे रखा हो तो इसका क्या रहेगा -459.67 डिग्री फारेनहाइट ऑन द फारेनहाइट स्केल स्केल। तो यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा गया तो आपको -273 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, यदि फारेनहाइट में पूछा जाए तो -459.67 आपको इसको आंसर चूज करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्लासिफाइड एज ए हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर, इनमें से कौन से बॉयलर जो कि हाई प्रेशर में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो ऑप्शंस है लॉफर बॉयलर, बेंसन्स बॉयलर, लामाउंट बॉयलर, ऑल ऑफ द वो। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ऑल ऑफ थ्री बॉयलर्स आर आई आर हाई प्रेशर, सो दैट दिस क्वेश्चन आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबो।
इसके बारे में एक अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि जो ये लॉफर स्पॉइलर होते हैं, बेंसन स्पॉइलर होते हैं, क्योंकि हम इनके बॉयलर के बारे में ना तो हम ऑपरेशन करते हुए आते हैं और ना ही हम इसके बारे में पढ़े होते हैं, तो सो दैट ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिटेल वे से आपको बताऊँगा। सो दैट अभी जो 20th क्वेश्चन है वो है विच फुल रिक्वायर्स द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर फॉर कंबसन। भाई इनमें से किस फ्यूल को जो एक्सेस एयर कम लगता है बर्निंग के लिए, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं फर्नेस ऑयल, LDO लाइट डीजल ऑयल, कोल और नेचुरल गैस। कि देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा जो नेचुरल गैस है वो उसको क्या है, एक तो नेचुरल गैस का जो GCV काफ़ी हायर होता है और जिसका GCV हायर होता है और ये लाइट होती है, तो सो दैट एक्सेस एयर इसको कम लगेगा फॉर प्रॉपर बर्निंग ऑफ द दिस टाइप ऑफ फ्यूल नेचुरल गैस। तो जो मूव आउट करते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ, जो 29th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड मीन गैस वेलोसिटी इफ FBC बॉयलर इज कॉल्ड। कि जो भाई द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड द मीन गैस वेलोसिटी इफ FBC बॉयलर इज कॉल्ड। ऑप्शन है फ्लूडाइज फैक्टर, बी है सेटलिंग वेलोसिटी, सी है स्लीप वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम आपने जब आप उसके जो फ्लूडाइजेशन के कर्व के बारे में पढ़ेंगे FBC बॉयलर में, ये जब बॉयलर ऑपरेशन में आप इसको पढ़ेंगे, तो एक्चुअली इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है स्लीप वेलोसिटी। वो क्यों है मैं आपको उसके आपके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों जो फ्लूडाइजेशन डिपेंड लार्जली ऑन द पार्टिकल साइज, जो हमारा जो फ्लूडाइजेशन है वो पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है एंड द एयर वेलोसिटी, और जो कि जो हम उसको फ्लूडाइजेशन के लिए जो एयर देते थ्रू FB फैन तो वो उस पर डिपेंड करता है। द मीन सॉलिड वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट ए स्लो रेट देन डज द गैस वेलोसिटी। जो मीन सॉलिड वेलोसिटी है वो इंक्रीज बहुत ही कम रेट से करती है, जैसे इस प्रोडक्ट हमने जो अपना बेड प्रिपेयर कर लिया है, जब हमने उसको 152-250 mmWC का जो एयर प्रेशर दिया, आपने देखा होगा कि एट द टाइम क्या है हमारा जो जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे सस्पेंशन में आता है, तो क्या है एट द टाइम क्या होती है जो उसकी मीन सॉलिड वेलोसिटी है वो क्या है स्लोअर रेट से इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू द गैस वेलोसिटी। द डिफरेंस बिटवीन द मीन सॉलिड वेलोसिटी एंड मीन गैस वेलोसिटी इज कॉल्ड ए स्लीप वेलोसिटी। कि जो अपना जो इन दोनों में जो डिफरेंस है सॉलिड वेलोसिटी में और मीन गैस वेलोसिटी में, क्या उसको हम क्या है स्लीप वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्लीप वेलोसिटी बिटवीन द सॉलिड एंड द गैस इज डिजायरेबल फॉर गुड हीट ट्रांसफर एंड इंटीमेट कॉन्टेक्ट। कि भाई यदि उनके बीच में जो मीन सॉलिड है एंड द गैस है क्या उनके बीच में जो कॉन्टेक्ट रहेगा वो क्या है एक जो प्रॉपर हीट ट्रांसफर को लेकर और एक प्रॉपर इंटीमेट कॉन्टेक्ट के लिए हेल्प करता है। तो जितना मैक्सिमम स्लीप वेलोसिटी रहेगा इन दोनों के बीच में, जो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है बिटवीन द मीन सॉलिड एंड मीन गैस वेलोसिटी क्या रहेगा वो प्रॉपर हीट ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, सो दैट क्या इन दोनों में मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। सो दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 30 है, इलेक्ट्रिकली एनर्जी कंजप्शन फॉर कोल साइजिंग विल बी मैक्सिमम फॉर। कि जो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है फॉर कोल साइजिंग के लिए वो मैक्सिमम किस में होता है, भाई कहने का मतलब है बिजली इन में से कौन से में ज़्यादा लगती है फिर कोल को साइज करने में। जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो स्टोकर फायर बॉयलर है, बी है CFBC है, सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज बेड कंबसन बॉयलर, एटमोस्फेरिक फ्लूडाइज बेड कंबसन बॉयलर, डी है फ्लोराइज कोल बॉयलर। देखा जाए तो इन स्टोक फायर बॉयलर में क्या है एक यदि हम कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं कि हमें इस साइज का कोल चाहिए होता है तो क्या है वो प्रॉपर उसी साइज का हमें कोल भेजता है, तो उसको क्या है कोल कर्सिंग की हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, स्टोक फायर में क्या है वो स्टोकर्स पे ही जलता रहता है।
तो बी है कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड आई बोलर, उसमें क्या हमें कोलगर्सर की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम एक डिफरेंट मैस अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी क्या है, उसमें हम जो कोलगर्सर में एक मैस लगा देते हैं, उसी मैस साइज के अकॉर्डिंग हमारा कोल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें मिलता रहता है। ऐसे ही एबीसी बॉयलर में तो डी है। अब बताया प्लूराइजर कोल बॉयलर, क्योंकि प्लूराइजर में क्या होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कोल यूज किया जाता है, तो क्या है उस कोल को पाउडर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या है, प्लूराइजर कोल मिल लगी होती है, तो क्या है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी हायर होता है एज कम्पेयर टू अकॉर्डिंग टू, तो देखा जाए तो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बॉयलर चलाने में लगता है उतना ही उस कोल मिल को चलाने के लिए लगता है। सो दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन फॉर कोल साइजिंग विल बी मैक्सिमम फॉर प्लूराइज कोल बॉयलर, क्योंकि प्लूराइज कोलर में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री बॉयलर्स। तो दोस्तों आज के ये 10 क्वेश्चन थे जो कि गुजरात BOE 2019 से पेपर 1 से हमारे रिलेटेड थे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहती रहेगी, क्योंकि देखा जाए मैंने जो A11 टॉपिक के जो वीडियोस थे वो मैंने बिल्कुल बनाना छोड़ दी, क्योंकि इस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर क्या है, इसमें काफ़ी सारे डाउट क्लियर होते हैं आपके भी और देखने वाले की, और ये हेल्प करते हैं आपको एक BOE एग्ज़ाम्स के लिए आपको अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। सो दैट काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इन वीडियो पे। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी सी भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों यदि अभी तक आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा डाउट है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाके आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यार वीडियो को देख तो लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, लेकिन यार दोस्तों आप लाइक नहीं करते। प्लीज़ आपके लाइक मिलने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइक दिखने से ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ आपके तक वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों यदि डिलीवर नहीं होता तो वहाँ पे डिसलाइक का भी बटन है, तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइए, क्योंकि जितने अच्छे ज़्यादा लाइक लगते हैं उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।